स्टडी क्रिएटिव टूल्स। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। सुरेश लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। वो रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन लकड़ियों की इकट्ठा कर बाजार जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब सुरेश जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, सुरेश अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, इतनी लकड़ियाँ से काम नहीं चल पाएगा, तुम्हें ज्यादा लकड़ियाँ लानी होगी। सुरेश बोला, सेठ जी कल से मैं ज्यादा मेहनत करूँगा और ज्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आओगे तो तुम्हें उसे अच्छे दाम दूंगा। दुकानदार बोला। सुरेश दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। सुनकर माँ बोली, बेटा छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। सुरेश माँ से बोला, माँ चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूँगा, एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह सुरेश जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियाँ वो पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियाँ काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई पड़ा जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देख सुरेश चिंता में पड़ गया। वो पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। सुरेश ने अंदर झांका तो उसे घुप्प अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी सुरेश दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वो रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वो गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ की ओर बढ़ा तो देखा कि वो आवाज़ एक गड्ढे से आ रही है। उसने गड्ढे में झांका, वहाँ एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। सुरेश ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उस पकड़ कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी जिसे पकड़ कर वो आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वो सुरेश को बहुत धन्यवाद देने लगा तो सुरेश बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने सुरेश से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? सुरेश ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी है। तब वो आदमी बोला, वो एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है, तुम्हें शाम होने के पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपन घर नहीं जा पाओगे। सुरेश ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए ये डंडा रख लो, पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? सुरेश आश्चर्य में बोला, ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें देगा, उस आदमी ने बताया। सुरेश ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जान पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। सुरेश ने उससे पूछा, बाबा क्या हुआ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? वो आदमी बोला, बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई है इसलिए जंगल से लकड़ियाँ काटने निकला हूँ, लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही, समझ नहीं आ रहा कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूँ। सुरेश ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियाँ दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। सुरेश ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी इसलिए वो पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वो घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथ में रख दिया। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। सुरेश को भूख लग रही थी, उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा, ढेर सारे पकवान उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह सुरेश ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियाँ मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए।
जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। कहानी से सीखने को ये मिलता है कि सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा।